आप देख सकते हैं, ये बारिश में इतना तेज पानी आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आज आपके साथ हरिद्वार से जुड़ा हूँ और ये 9 तारीख है, 9 जुलाई 2022 का समय है। मैं दोस्तों आपके साथ जुड़ा हूँ, बहुत ही तेज़ बारिश हरिद्वार में इस समय हो रही है 9 जुलाई में, और हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से हरिद्वार से। ये हर की पौड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं ललतारा पुल, सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी हर की पौड़ी से रह जाती है और इस समय बहुत ही तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में किस प्रकार से यहाँ पे जो नदी है ललतारा पुल के नीचे जो है, किस प्रकार से ऊपर से पहाड़ों का पानी आ रहा है। दोस्तों इतनी तेज़ बारिश होने के कारण ऊपर पहाड़ों से भी क्या नाम है, पानी इस नदी में आ चुका है। आप देख सकते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे खतरा बना हुआ है, लोगों के घरों में पानी पहुँच सकता है। तो हम आपको सब दिखाने वाले हैं और हम तो आप बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इसी प्रकार हम हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड से अच्छी अच्छी वीडियो आप अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे आपको दिखाते हैं इस नदी में पानी किस प्रकार बढ़ रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, छत से दिखाता हूँ। ये जो है पहाड़ों से जो बरसात में पानी आ रहा है नदी में, लोगों को खतरा बना हुआ है। तो हम ऊपर पहुँच गए हैं, ऊपर से दिखाएंगे आपको किस प्रकार से पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये घर बने हुए हैं और इस तरीके से पानी अभी लेवल बढ़ता हुआ, बारिश अगर नहीं रुकती है तो खतरा बना हुआ है कि लोगों के घरों में भी पानी आ सकता है। सामने आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है ललतारा पुल, ये हर की पौड़ी जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, हम ऐसे ही आगे भी हरिद्वार में जितनी भी अपडेट है लाते रहेंगे। आगे कांवड़ यात्रा आ रही है, कांवड़ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, मौसम किस प्रकार का बना है यहाँ उत्तराखंड में सब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। दोस्तों लगातार बारिश पड़ रही है, तेज बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं नदी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में खतरा बना हुआ है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच सकता है। दोस्तों 2007 में इसी प्रकार तेज बारिश आने के कारण इस नदी में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया था, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो सभी लोग यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश जल्दी रुके और इस नदी का लेवल नीचे जाए और लोगों को नुकसान ना हो इस बारिश से, इस बाढ़ के पानी से। तो आप देख सकते हैं नदी का रूप देख सकते हैं दोस्तों, और हम आगे दिखाते हैं आपको बारिश रुकती है या तेज होती है, लोगों को नुकसान होता है या लोग बच जाते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। A few moments later. दोस्तों बहुत अच्छी बात हुई है, अब बारिश कम होनी शुरू हो गई है, हल्की हो गई है बारिश। बारिश हल्की होने के कारण आप अभी देख सकते हैं नदी का जो पानी है वो भी कम होता चला जाएगा। तो लोगों ने राहत की सांस ली है इस समय। अभी आगे भी दोस्तों हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। तो दोस्तों बस बने रहे आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।